रूहानी टीवी में आपको वेलकम करते हैं। आज की वीडियो आंख के फड़कने से मुतल्लिक है कि आंख का फड़कना अगर ये आदत सीधे एहतियात कर जाए तो क्या करना चाहिए। मर्दों की बनिस्बत औरतों में ये आम है। अजीज दोस्तों, आजकल हमारे माशरे में बहुत से ऐसे तोहमात आम हैं जो शरण ममनू हैं। मसलन काली बिल्ली सामने से गुजर जाए तो रास्ता बदल लेना चाहिए, छुरी गिरे या खाली कैंची चलाई जाए तो लड़ाई हो जाती है, कबा बोले तो मेहमान आ जाता है। दाएं आंख फड़के तो अच्छी और बाएं आंख फड़के तो बुरी खबर मिलती है। हथेली में खुजली हो तो दौलत आ जाती है, जूती पर जूती चढ़ जाए जूती पर जूती चढ़ जाए तो सफ़र पेश आता है वगैरह। इस तरह की तमाम बदशगुनियाँ और बदफालियाँ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। लेकिन आज इस वीडियो में हम आपको उन लोगों के मुतालिक बताएंगे जिनको आंख फड़कने के बारे में कुछ ना कुछ ख्यालात आते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि दाएँ आँख फड़के तो खुशी और बाएँ आँख फड़के तो गम मिलता है। खुशी के एहसास पर तो लोग फिक्रमंद नहीं होते लेकिन गम के एहसास से ही उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। हालांकि डॉक्टर्स कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है बल्कि आंख फड़कने का सबसे आम सबब कशीदगी, थकावट, नींद की कमी और चाय का ज़्यादा इस्तेमाल है। अगर आप आंखों के फड़कने से परेशान हैं तो आप चाय को जिसमें कैफीन होती है उसकी मकदार को कम कर दें। सबसे ज़्यादा कैफीन चाय में पाया जाता है, लिहाजा चाय अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा पीते हैं तो इसे कम कर दीजिए। ना फड़केगी आंख और ना धड़केगा दिल, इस गम में कि पता नहीं कौन सा गम मिलेगा। आंख का फड़कना या मायोकेमिया पपोटों के पट्ठों का बार बार गैर इरादी तौर पर सुकड़ना है। अमूमन आंख के ऊपर वाला हिस्सा ज़्यादा फड़कता है लेकिन ये अमल ऊपरी और निचले दोनों हिस्सों में होता है। अक्सर लोगों में ये खिंचाव बहुत मामूली सा होता है, इसलिए पपोटों पर हल्का सा खिंचाव महसूस होता है जबकि कुछ लोगों में ये खिंचाव शदीद होता है। ये हालत आंखों के फड़कने का अमल चंद सेकंड या एक मिनट तक होता है। ये अमल चंद दिन तक जारी रह सकता है लेकिन ये हफ्तों या महीनों नहीं होता। इससे ना तो दर्द होता है ना ही ये नुकसानदेह है लेकिन इस अमल से आप परेशान ज़रूर हो जाते हैं। वैसे तो ये खुद ही ठीक हो जाता है लेकिन अगर ये मुसलसल हो तो ये दायमी मूवमेंट डिसऑर्डर की निशानी हो सकती है। कभी कभार आंख फड़कने की वजूहत नहीं होती लेकिन इसकी ज्यादती मुख्तलिफ मसाइल की निशानदेही करती है। इसकी वजह आंखों में जलन, पपोटों में कशीदगी, थकावट, कशीदगी, नींद की कमी, जिस्मानी मेहनत की ज्यादती, अद्वियात के मनफी नुकसानात और तंबाकू या कैफीन यानी चाय का ज़्यादा इस्तेमाल है। अगर आंखों के फड़कने की शिकायत मुस्तकिल रहे तो ये हालत आम तौर पर दोनों आंखों को मुतासर करती है। इस हालत की सही वजह अब तक मालूम नहीं हो सकी लेकिन ये सूरत हाल उसे मजीद नुकसान का बायस बना देती है। इसमें पपोटों की सोजिश, आंखों का खुश होना, अशोब चश्म, माहौलियाती असरात जैसे हवा, तेज़ रोशनी, सूरज और आलूदगी वगैरह, थकावट और कशीदगी, रोशनी से हसासियत और तंबाकू और कैफीन यानी चाय का ज़्यादा इस्तेमाल शामिल है। मर्दों की निस्बत औरतों में ये आम है। अगर ये हालत सीधे अख्तियार कर जाए तो इसके सबब धुंधला नज़र आने लग जाता है और रोशनी की हसासियत में इजाफा हो जाता है। तो अजीज दोस्तों, अगर ऐसी कोई सूरत हाल बने इसका सबसे आसान तरीका यही है कि हम अपने गुनाहों को याद करके रोएं, अपने गुनाहों को याद करके उनसे तौबा मांगें और बावजू के दो रकात नमाज शिफा के लिए नफल पढ़ें ताकि अल्लाह रब करीम हमारी इस मुश्किल को आसान फरमा दे और हमें मज़ीद किसी नेमत की कमी का सामना न करना पड़े। इसलिए कि अल्लाह की पाकजात ने फरमाया ला इन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, जब तुम मेरी नेमतों का शुक्र अदा करोगे तो मैं उनमें इजाफा करता चला जाऊँगा। तो जानना चाहिए कि आँखों के फड़कने से कोई फ़ायदा नुकसान नहीं होता बल्कि ये तो बीमारी भी हो सकती है या